सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने मुजफ्फरनगर पुलिस की डायरेक्टिव के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की थी उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस की डायरेक्टिव पर रोक लगा दी है। बेंच का यह मानना था कि खाना किस प्रकार का है, वेज या नॉन वेज, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये जानना कि खाना कौन सर्व कर रहा है। बेंच ने सुनवाई के बाद स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और स्टेट ऑफ उत्तराखंड को नोटिस जारी किया है और इसकी अगली सुनवाई आने वाले फ्राइडे को फिक्स की गई। सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट नहीं, तो अगर आप कुछ गलत करोगे तो फिर उस पर आवाज उठेगी, और अक्सर ऐसा देखा गया कि जब भी किसी गलत पे आवाज उठी तो बीजेपी ने उसको एंटी नेशन और तमाम तरह की चीजें और धर्म के विरुद्ध पता नहीं क्या कहना है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जजेस क्या वो धर्म के विरुद्ध में, क्या वो आम जनता के मुद्दों को अगर सुनकर समझ के फैसले दे रहे हैं तो क्या उन पर भी सवाल खड़ा करेंगे? तो ये जो उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास, प्रयोग करने का प्रयास और उसको इंप्लीमेंट करने का, उसको और आगे बढ़ाने का उत्तराखंड सरकार ने किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जोरदार तमाचा मारा। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और देश की जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। और क्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये बताएं। सब कुछ तो उनके हाथ में, सेंटर उनके हाथ में, स्टेट उनके हाथ में, तो कुछ करके दिखाओ ना भाई। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करो, ठीक है, रोजगार दो, महंगाई खत्म करो, महिला सुरक्षा करो, महिलाओं को सशक्त करो, ये सब तो नहीं कर पा रहे। बस वही बाप धर्म धर्म धर्म, देखिए लोग थक गए, उब गए, सुबह से शाम तक घर में टीवी देखते हैं, धर्म 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 धर्म, वहां से बाहर निकलते हैं तमाम लोगों मुंह से सुनते हैं धार्मिक चीजें। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट, अब जो अगर सरकारें भी धर्म की बात करने लग जाएंगी तो जनता कहां जाएगी? अब आप मुझे बताओ, नीट वाले बेरोजगारों। माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने ये बता दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी ऐसे सरकारी फरमान से नहीं चलेगा जो समाज को, देश को बांटने की कोई कोशिश कर रहा हो। जिस तरह से कांवड़ यात्रा के रूट पर ढाबा मालिकों को, होटल संचालकों को जिस तरह से नेम प्लेट लगाने के लिए पुलिसिया दबाव के जरिए जो फरमान जारी किया गया था, आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी, अंतरिम रोक लगा दी और सरकारों को नोटिस जारी किया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। देश में जो मोहब्बत की दुकान खुली है राहुल गांधी जी के जरिए, उससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने अपने राज्यों में ऐसे मनमाने फैसले लेकर के आ रही हैं जो संविधान के विरोधी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर से संविधान की किताब को सर्वोपरि रखा है। ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा, कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार से लेकर के बाकी जगहों तक जगह जगह हिंदू मुसलमान एकजुट होकर के स्वागत करते हैं यात्रा का, मुस्लिम भाई कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं। इस सरकार ने इस गंगा जमुनी तहजीब को बांटने की जो कोशिश की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे बेनकाब किया है। सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश और इस पिटीशन पर सुनवाई के लिए अगली तिथि लगाना, दोनों प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई मेरी उस नोटिस जो मैंने आज दी थी 267 में राज्यसभा में, जिस पे मैंने कुछ कहा भी है, उसको सही साबित करता है कि ये विभाजनकारी है समाज, संविधान की मंशा के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। ये समाज में विभाजन पैदा करेगा, सिर्फ धर्म के आधार पे नहीं, जात के आधार पे। ये शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को, वीकर सेक्शन को उनको मौका नहीं देगा जो अपना व्यापार कर सकें। जिनको जो खाना है ये उन पर छोड़ देना चाहिए, वो स्वेच्छा से खाएं, पिए, कहां से लें, क्या करें, ये उनकी इच्छा होना चाहिए, किसी सरकार की नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, अंतरिम आदेश का स्वागत करता हूं। बीजेपी सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान सभी दुकानदारों को नेम प्लेट लगाकर बताना कि कौन जाति किस समुदाय का है, ये बेहद ही शर्मनाक फैसला था। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है और स्पष्ट रूप से कहा है कि अब नाम बता के इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा ऑर्डर है ये, हम लोग तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो आदेश जारी किया है मुजफ्फरनगर ने, योगी सरकार ने, बाद में उत्तराखंड ने, ये पर से बैड इन लॉ है, इलीगल है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान का विरुद्ध है, ये आर्टिकल 17 संविधान का उसका वायलेशन है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो संविधान का लाइवलीहुड की बात करता है उसका वायलेशन है ये,
सत्राबाद का अनटचेबिलिटी का है तो उसको बढ़ावा दे रहा है। पूरा डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर था ये, तो आर्थिक बहिष्कार करने वाला ऑर्डर था। और यहां ही नहीं, आर्टिकल 21 आप देखिए लाइवलीहुड की बात करता है। अब पिछले हफ्ते में कितने मुसलमान युवाओं को निकलना पड़ा जॉब से, निकाल दिया गया उनके एम्प्लॉयर्स ने। अब यो मोदी जी तो बोलते 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे, लेकिन यहां तो जो युवा रोजगार पे था वो बेचारा बेरोजगार हो गया ना। और ये कुछ नहीं, ये सिर्फ दर्शाता है भाजपा का मुस्लिम प्रति जो नफरत है, सिर्फ ये उसका उदाहरण था कि इस तरह से मतलब नेम प्लेट लगाइए। अरे लुलू मॉल वाले का क्या नेम प्लेट लगाएंगे आप वहां पर बताइए? उसके बाद स्टारबक्स है, मैकडोनल्ड है, इनको तो आपने इम्यूनिटी दे दिया, कुछ नहीं। तो ये ऑर्डर पर से बैड इलीगल था। और हम शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, उसने बहुत अच्छा आदेश दिया, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, सेक्युलरिज्म को मानने वाले, और ये सेक्युलरिज्म की जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट में था ये ऑर्डर। कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास अख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है, संविधान का अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई, आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है, जो मुसलमान के ढाबे थे वहां कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहां रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमजान में 30 दिन रोजे रखता हूं, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूं, पानी मत पिलाइए किसी को, ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आपकी AFC को मैकडोनल्ड से इतनी मोहब्बत कैसा होगी आपको, उनको कहा जा रहा है क्या? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसलमानों के खिलाफ, खुली डिस्क्रिमिनेशन की जा रही, अपार्थाइड है ये, तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? जैन जी, मुजफ्फरनगर का मुद्दा तो आपको पता ही है, सबसे पहला सवाल नेम प्लेट को लेकर। वो कोई मुद्दा तो है नहीं, हमारा जो स्टैंड है इस इशू पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, वही पार्टी का स्टैंड है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं, ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता, और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है, मैकडोनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बार मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना कभी 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 ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए, अभी भी समय हो जाना चाहिए, या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ अभी, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है, जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है, अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब, मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। जैन जी, टायर पंचर पे भी लग रहे हैं आप तो, नाम के वोट क्या, पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, टायर पंचर कहाँ कहाँ लगाओगे आप? कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम के, देख के हाथ मिलाना है या गले लगाना है?